स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग LPP का स्टडी कर रहे हैं, एक ऐसा टॉपिक है जिससे लॉन्ग क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको एक क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन के माध्यम से पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अच्छा से देखिएगा और फिर इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर है कहा जा रहा है कि मैक्सिमाइज एक फंक्शन दिया गया है। याद रखिएगा, जिस फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं उसे बोला जाता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्लियर? सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स ऐसे होता है। कुछ यहाँ पे कंडीशन दिया गया है, एक दो और तीन यहाँ पे कंडीशन है। ये ऑलरेडी डिफिनेशन के लिए, डिफाइन करने के लिए दिया रहता है। क्लियर? तो यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करेंगे इसको सीखना है। आइए सोल्यूशन देखा जाए। सबसे पहले देखिए जेड इक्वल टू क्या दिया गया है, माइनस एक्स प्लस टू वाई। ये बात क्लियर हो गया। अब लिखेंगे यहां पे नाउ कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन, कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन आर, कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन आर, संगत समीकरण। कौन सा संगत समीकरण? देखिए इसका संगत समीकरण क्या होगा, x इज इक्वल टू थ्री। इसका क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव। इसका क्या होगा, x प्लस टू वाई इज इक्वल टू सिक्स। तीन गो यहां पे इक्वेशन बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखिए इसके लिए बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। बॉक्स में आइए, एक बार एक्स को करेंगे जीरो तो वाई का मान क्या होगा, पाँच होगा। एक बार वाई को कीजिए जीरो, एक्स का मान पाँच होगा। चलिए ये सब काम का डाटा मिलेगा तो काम करेगा सॉल्व करने में। इसमें लीजिए बनाएंगे टेबल एक, तो एक्स का मान जीरो तो वाई, टू वाई बराबर छः हो तो वाई का मान तीन, वाई का मान जीरो तो एक्स बराबर छः, ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। दो चीज़ें क्लियर? आइए आगे देखा जाए। इतना बात समझ में आ गया। अब इतना डाटा जानने के बाद ग्राफ खींचते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे लिखेंगे सो, अब आइए ग्राफ पर काम चलाया जाए। यहाँ देखिए क्लियर, यहाँ पर देखिए एक बार देखा जाए कि सबसे हाईएस्ट क्या है वाई का वैल्यू। वाई का वैल्यू यहाँ पे क्या है, हाईएस्ट पाँच है और एक्स का वैल्यू छ है। चलिए तो एक दो तीन चार पाँच छ, राइट। उसके बाद देखिए एक दो तीन चार पाँच छ, ऐसे आगे करके वाई और दिस इज एक्स। इसको और अच्छा से, ठीक है एक्स, ठीक है, और अच्छा से नंबरिंग कर सकते हैं हम लोग बढ़िया से, और अच्छा रहेगा। एक दो तीन चार पाँच छ, ऐसे हो सकता है, ठीक है। और डिस्टेंस लीजिए थोड़ा सा, आप अच्छा से बनाइएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आइए, बढ़िया से समझते हैं। ये ओरिजिन होता है, क्लियर। अब यहाँ पे आइए, x बराबर तीन, एक दो तीन यही ना है। चलिए एक लाइन खींच लेंगे डायरेक्ट, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लाइन खींच लेंगे यहाँ पे, x बराबर तीन, क्लियर हो गया लाइन ये। अब है कि x बराबर तीन, यहाँ देखिए थोड़ा सा x बड़ा होना चाहिए तीन से, तो इधर बड़ा होगा तीन से, इधर चलना है हमको। चलिए एक किसका हो गया, x इज इक्वल टू थ्री, एक्स बराबर पाँच, एक्स बराबर जीरो, वाई बराबर पाँच, एक्स जीरो वाई पाँच, एक दो तीन चार पाँच, चलिए, और एक्स बराबर वाई बराबर जीरो, एक्स का पाँच, एक दो तीन चार पाँच। चलिए इसको मिला लीजिए थोड़ा सा, क्लियर। अब सवाल है कि सर नीचे के ऊपर, तो यही ना आपका तरीके थी है, कंडीशन है, तो x और y का मान जीरो रखिए, तो x प्लस वाई बड़ा या बराबर जीरो
पाँच है यहाँ पे, एक्स का मान जीरो, वाई का मान जीरो, ऐसा रख देंगे हम, बड़ा है बराबर पाँच। तो क्या यह बात सही है? नहीं ना है, जीरो बड़ा थोड़ा होता है पाँच से, गलती है, बात गलत होगा तो बाहर चलेंगे हम, समझे ना बात, क्लियर। वैसे ही आपके लिए अगला, इसको परिणामी कीजिए, नाम दीजिए इसका, नाम क्या है तो पाँच जीरो, इसका नाम क्या है जीरो पाँच, इस लाइन का नाम क्या हो गया एक्स प्लस वाई बराबर पाँच। अब जरा ध्यान दीजिएगा कौन से चीज़ में, तो ध्यान दीजिएगा आप, मतलब कि x प्लस टू वाई बराबर छः है, माने यहाँ पे x का मान जीरो, y का मान तीन, x का मान जीरो, y का मान तीन, एक दो तीन, y का मान जीरो, x का मान छः, चलिए ये आ गया, ये यहाँ पे, चलिए अब इसको भी देखिए, इसको बाहर की ओर ही कह रहा है, रखेंगे जीरो जीरो तो क्या होगा, सही नहीं है बात, ये भी हो जाएगा जी बड़ा हो जाएगा जीरो से, माने बड़ा बाहर की ओर जाएगा। अब हमारे पास देखिए क्या है, हमारे पास देखिए क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा मिटा रहे हैं, यहाँ पे देखिए एक थोड़ा सा, यहाँ पे बढ़िया से देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना, थोड़ा सा यहाँ मोटा हो गया है, ठीक है ना, थोड़ा सा ये मोटा हो गया है, इसको थोड़ा सा अच्छा से करते हैं, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कैप होना चाहिए, तो एक पॉइंट यहाँ मिल रहा है, एक पॉइंट यहाँ मिल रहा है ना, दो पॉइंट, क्लियर बात समझ रहे ना। सब में कॉमन एरिया कौन है, सब में कॉमन एरिया बाहर की ओर है, तो ज़्यादा जो कॉमन एरिया बनता है ना उसको बोलते हैं फिजिबल रीजन, तो फिजिबल रीजन यहीं है, यहीं काम करता है हमारा सोल्यूशन का। चलिए तो फिजिबल रीजन क्या है हमारा, ये बाहर हो गया, इसका पॉइंट कौन कौन है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ पे है, तीन को पॉइंट बनेगा, ठीक है। तो देखिए ये तो पॉइंट आपका कितना हो, ये पॉइंट आपका जीरो तीन है, ये पॉइंट कितना है छः जीरो है, क्लियर। अब एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, देखिए ये पॉइंट आपका है, निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये लाइन और ये लाइन, इसको और इसको सोल्व करना पड़ेगा, सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, थोड़ा देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, लिखते हैं हम, एक्स का मान तीन है और इसमें रखेंगे तीन, तो वाई का मान क्या होगा, यहाँ रखिए तीन प्लस वाई बराबर पाँच, तो वाई का मान दो हो जाएगा, वाई का मान दो हो जाएगा। अब आते हैं इस लाइन पे, इस लाइन पे इसके लिए ये लाइन और ये लाइन, मतलब दोनों समीकरण सोल्व करना पड़ेगा, तो सोल्व करेंगे तो देखिए अगर आप सोल्व करते हैं, ग्राफ रहता तो ग्राफ में दिख जाता है, सोल्व करेंगे देखिए पहले x प्लस वाई बराबर पाँच और x प्लस टू वाई बराबर छः, इसमें दो से गुना कर लेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दो एक्स प्लस दो वाई बराबर दस है ना, ये तो कटाएंगे देखिए कट जाएगा, तो माइनस एक्स इक्वल टू माइनस चार, तो एक्स का मान कितना मिला चार मिला, एक्स का मान क्या मिला यहाँ पे चार मिला, एक्स का मान चार, ठीक है इस पॉइंट को लिखते हैं हम थोड़ा सा चार, और रखिए फिर इसमें एक्स का मान चार तो इसमें रखिए, वाई का मान पक्का एक हो जाएगा, ये पॉइंट ए भी हो गया। तो अब ये क्या हो गया ना, कॉर्नर पॉइंट हो गया, इसी का काम यहाँ पे चलने वाला है, राइट इसी काम चलने वाला है। अब थोड़ा सा क्या कीजिए आप, लिखिएगा यहाँ पे लास्ट में, लास्ट में आइएगा थोड़ा सा यहाँ पे, लिखिएगा नाउ क्या कर रहे हैं, नाउ यहाँ पे लास्ट में क्या होगा, लिखिएगा कॉर्नर पॉइंट सी पी, जेड इक्वल टू क्या है माइनस एक्स प्लस टू आई है कि नहीं है। चलिए एक बार क्या है सी पी थ्री टू है, एक बार क्या है फोर वन है, और एक बार क्या है यहाँ तो अट ही नहीं रहा है, इसलिए आप क्या कीजिए ना कि इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसको मिटा के बनाते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, चलिए यहाँ लिखिएगा अगेन, नाउ भी लिख सकते हैं पुनः, क्या हो जाएगा तो लिखिएगा सी पी कॉर्नर पॉइंट जेड इक्वल टू माइनस एक्स प्लस, मतलब लास्ट अंतिम पार्ट है ये टू आई, क्लियर। तो अब क्या होगा सी पी रखिए यहाँ पे, वो हो गया थ्री टू, थ्री टू ठीक है, थ्री टू रखा हमने, उसके बाद फोर वन, उसके बाद एक है छः जीरो, इसमें लाइए जेड का मान क्या होगा माइनस तीन प्लस चार एक, माइनस चार प्लस दो, माइनस चार प्लस जब दो रख रहे हैं तो कितना आ रहा है माइनस दो आ रहा है, माइनस छः, माइनस छः, तो इसमें बताइए कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, बोलिए
यहाँ पे ही ना है 6-0, ठीक है, ठीक तो है, -6 आया है। तो पूरे सिस्टम में मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है आपका, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। जेड क्या होगा, जेड बराबर 1 मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, और फिर पॉइंट क्या होगा 3-2 पर, तो मैक्सिमम वैल्यू आपका 1 हो गया, सब में मैक्सिमम ही नहीं 1 है। तो कैसा लगा ये क्लास, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।